दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का जर्नी होने वाला है, अभी मैं आया डिब्रूगढ़ राजधानी में, न्यू बोंगाईगांव से न्यू जलपाईगुड़ी, यहाँ से मुझे कलकत्ता जाना है। इसमें NGP हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस 22302 NGP से हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। और आज का जो जर्नी होने वाला है वो न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा तक का 565 किलोमीटर का ये जर्नी ये वंदे भारत ट्रेन पूरा करेगा 60 घंटा 30 मिनट में। और स्टॉपिस रहेगा थ्री हॉल्ट में ये पूरा करने वाला है। और NGP का स्टेशन कोड आप लोगों को मालूम ही है, न्यू जलपाईगुड़ी का स्टेशन का स्टेशन कोड NJP, ठीक है, डिवीज़न का TR। और आपका जो ये न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन गिरता है ये NSG 2 कैटेगरी में गिरता है, मतलब अच्छा खासा इसका रेटिंग है, ठीक है। और बात करूँ तो रूट का, न्यू जलपाईगुड़ी से बहुत सारा रूट कनेक्ट करता है, न्यू जलपाईगुड़ी डालकोला, न्यू जलपाईगुड़ी हसीमारा सिलीगुड़ी होकर जो निकलता है, न्यू जलपाईगुड़ी से आपका अलीपुरद्वार जंक्शन भी कनेक्ट करता है, अलीपुरद्वार कनेक्ट करता है, इधर कटिहार को कनेक्ट करता है, बरौनी मालदा को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो बने रहिए मेरे इस जर्नी में, अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चेयर कार का कुछ इंटीरियर इस तरह का, ठीक है। और अगर बात करूँ एग्जीक्यूटिव चेयर तो ये कुछ है, एग्जीक्यूटिव का 360 फोल्डर, और अगर फेयर का बात करूं तो एग्जीक्यूटिव केयर में फेयर लेता है ऑलमोस्ट 2700, और आपका चेयर कार का फेयर है 1500, ठीक है। ये दो क्लास का दो फेयर, दो इसमें एग्जीक्यूटिव क्लास का है, बाकी चेयर कार का है, 11 चेयर कार का बोगी है और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास का बोगी है। पूरा 360 रोटेबल है, देखिए कुछ इंटीरियर इस तरह का रहता है इसमें एग्जीक्यूटिव कार में, ज़बरदस्त इंटीरियर, ठीक है। मंदिर वाला का इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त लगता है, और एग्जीक्यूटिव कार का तो क्या कहना, अच्छा है, ठीक है। तो ये कुछ रहा सीट का पोजीशन, और कुछ एग्जीक्यूटिव चेयर कार का ऐसा दिखता है। अगर मैं बात करूं बैठ के तो बहुत ही आराम है दोस्तों, ये हेड के लिए दिया हुआ है जो आपका नॉर्मल इसमें दिया हुआ नहीं है, चेयर कार में नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव चेयर कार में ये फैसिलिटी दिया हुआ है, अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा। ये आपका इसने कटरे बन जाता है, स्विचेबल है, ठीक है। ऐसे करके इसको फोल्ड करके, जैसे मैंने पिछला दिन में दिखाया था, ऐसे करके आपको निकालना है, ये निकालने का रहता है, ये आप निकाल सकते हैं, निकाल के इसको खोल के खा सकते हैं, फिर यहाँ ऐसे करके, बहुत अच्छा दिया हुआ है। ये एग्जीक्यूटिव चेयर कार में ये फैसिलिटी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो चलिए जर्नी का शुरुआत करते हैं। जो जो मेरे चैनल में नए हैं लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, जो जो चैनल में नए हैं, और बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर तो मारना ही मारना है अपने भाई का चैनल को, ठीक है, छोड़ना नहीं है लाइक और सब्सक्राइब से।
आ गया हम लोग का नाश्ता शाम का। क्या दिया है? बिकाजी का भुजिया, एक कचौरी, केचप और ये आपका क्या होता है बादाम का, जो क्या बोलता है इसको, और एक वाइप कुछ। ये है सीट का पोजीशन, मैं वो वाला सीट में बैठा था, कल ही कोई पत्थर मार के तोड़ दिया है, मैं उसमें वीडियो भी शूट नहीं कर पाऊँगा, तो मैं इस सीट में बैठा हूँ अभी फिलहाल। बरसो स्टेशन, यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, 86 ट्रेन का हॉल्ट है। स्टेशन कोड है BOE, बरसोई का स्टेशन कोड है BOE, ठीक है। डिवीजन करता है, गिरता है कटिहार नॉर्थ फ्रंट रेलवे स्टेट बिहार में, डिवीजन कटिहार, ठीक है। और आपको जैसा बोला है स्टेशन कोड BOE, टोटल 86 ट्रेन का हॉल्ट है। यहाँ पे इस ट्रेन का हॉल्ट है 2 मिनट, क्योंकि ऑटोमेटिक डोर है तो फिर घुस जाना पड़ेगा तुरंत। इसके बाद इसका स्टॉप है मालदा टाउन, 145 किलोमीटर का जर्नी न्यू जलपाईगुड़ी से यहाँ तक हो चुका है फर्स्ट हॉल्ट। इंटीरियर वंदे भारत NGV हावड़ा वंदे भारत का कुछ इंटीरियर, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा हैंडवॉश, हैंड ड्रायर, ये है वेस्टर्न आपका टॉयलेट, ठीक है, एकदम क्लीन है, फुल क्लीन है, मेंटेन अच्छा किया हुआ है वंदे भारत का, टॉयलेट अच्छा है, फुल क्लीन है। ये देखिए हावड़ा वंदे भारत का हॉल, पानी चू रहा है नीचे से, शून्य न्यू जलपाईगुड़ी हावड़ा जंक्शन। यहाँ पर भी एक CCTV कैमरा है, पर ये चीज अच्छा नहीं लगा, पानी चू रहा है, इतना अच्छा गाड़ी है, ठीक है, पर इसका मेंटेन अच्छा नहीं है। चापा भी चापा चापा। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं मालदा स्टेशन, स्टेशन कोड है MLDT, टोटल 7 वाला प्लेटफॉर्म है, 104 ट्रेन का हॉल्ट है, 18 ट्रेन ऑरिजिनेट होता है और 18 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट भी 18 ट्रेन ही होता है, ठीक है। डिवीजन मालदा टाउन, स्टेट वेस्ट बंगाल, एलिमेशन 36 मीटर अबव सी लेवल। अब इसके बाद बोलपुर शांति निकेतन, इसका नेक्स्ट हॉल, उसके बाद हावड़ा, ऑलमोस्ट 235 किलोमीटर NGV से न्यू जलपाईगुड़ी से मालदा टाउन का हम लोग का हो चुका है, ये था सेकेंड हॉल। चलिए मालदा स्टेशन छोड़ रहा है, 3 मिनट का हॉल था। अब इसके बाद इस ट्रेन का तीसरा हॉल बोलपुर शांति निकेतन,
ये सब जनरल बॉगी का लाइन। चावल, दाल, आलू का सब्जी, आलू का भुजिया, ये रोटी, दही और ये अचार। ठीक है, तो खाते हैं, टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा बना है दोस्तों। ठीक है, चटनी में बने रहिए। ठीक है, अभी बोलपुर आने वाला है कुछ देर में, उसके बाद हावड़ा। क्वालिटी के बात करूं तो खाना जो पेंदे भारत जब फर्स्ट टाइम निकला था एनजीपी टू हावड़ा, यानी हावड़ा टू एनजीपी, हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए, तब का खाना क्वालिटी और अब का खाना क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अभी खाना क्वालिटी बहुत चेंज हो गया है। ठीक है, क्योंकि मैंने उन लोगों से पूछा तो वो लोग बताया कि पहले जो मालिक था, मतलब जो कॉन्टैक्ट लिया हुआ था, वो चेंज हो गया, अभी दूसरा जन लिया है, तो खाने का क्वालिटी भी चेंज हुआ है, खाने का क्वालिटी भी अच्छा हुआ है। मुझे अच्छा लगा, ख़राब तो लगा नहीं। ठीक है, तो ठीक है। और एक दो चीज़ ख़राब लगा, क्योंकि पहले सूप दिया जाता था चेयर कर में भी, अभी सिर्फ फर्स्ट एसी में सूप दिया जा रहा है। ये भाई भेदभाव किया जा रहा है चेयर क्लास के लोगों के साथ, पहले दिया जाता था, ये सब तो सही नहीं है। ठीक है, बाकी खाने का क्वालिटी सही है। ठीक है, ऑलमोस्ट मान सकते हैं 18 मिनट के देरी से बोलपुर स्टेशन आ चुका है। स्टेशन कोड है BHP बोलपुर शांति निकेतन। इस ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। मेन लाइन ऑफ हावड़ा, मेन लाइन ऑफ सिलीगुड़ी को कनेक्ट करता है भाया बर्धमान होके। ईस्टर्न रेलवे में गिर रहा है। ठीक है, गाड़ी सॉरी जोन ईस्टर्न रेलवे में गिर रहा है। इसका 3 प्लेटफॉर्म है, 80 ट्रेन का हॉल्ट है। एक ट्रेन ऑरिजिनेट होता है और एक ट्रेन टर्मिनेट होता है। अब कौन सा ट्रेन ऑरिजिनेट होता है और कौन सा ट्रेन टर्मिनेट होता है, आप लोग बताइए, मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा टर्मिनेट होता है, कौन सा ऑरिजिनेट होता है। आप बाहर वीडियो करा था। जंक्शन स्किप कर रहा है, वंदे भारत एक्सप्रेस स्किप वर्धमान जंक्शन।
गाइस अभी हम लोग बात करेंगे इस ट्रेन का जो इंचार्ज है, ये न्यू जलपाईगुड़ी शताब्दी ट्रेन का भी इंचार्ज है, साथ में ये वंदे भारत का भी इंचार्ज है और न्यू जलपाईगुड़ी हावड़ा जो शताब्दी चल रहा है उस ट्रेन का भी इंचार्ज है। तो बात करते हैं जो खाना पहले शुरू में दिया जाता था उसका क्वालिटी और अभी का क्वालिटी के बारे में हम अभी बात करेंगे फुल सर के साथ। लीजिए पकड़िए। तो बोलिए सर, पहले का जो क्वालिटी था अभी का क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है सर। मतलब सर गुड इवनिंग सर, वेलकम टू एनजीपी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। सर आपको कैसा लगा सर? मुझे ना अच्छा लगा। आपको कैसा लगा सर? और पहले का क्वालिटी का वजह से और अभी का क्वालिटी में सर्विस क्वालिटी आपको कैसा लगा? कैशिंग सर्विस भी अच्छा है, फुल क्वालिटी सर्विस भी बहुत अच्छा। सर आप एक यूट्यूबर है तो बहुत अच्छा लगा। इतना सेटिस्फाइड है, हम चाहते हैं आपका मतलब पूरे इंडियन रेलवे जितना भी कैटरिंग है वंदे भारत को और थोड़ा सा टॉप लेवल में ले जाने की चाहते हैं कोशिश है सर। क्वालिटी खाना, क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ स्टाफ बिहेवियर, एवरीथिंग, और ये आप लोगों को सपोर्ट चाहिए सर। जैसा होता है कि इसका बिहेवियर सही नहीं होता है या खाने का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, ठीक है, इसमें मुझे वैसा कुछ लगा नहीं। इसमें तो खाने का क्वालिटी अच्छा था, स्टाफ बिहेवियर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। खाने का ऊपर से ट्रेन का जो आपका क्लीनिंग वगैरह है वो सब भी अच्छा है, क्योंकि एक ये ट्रेन हावड़ा से आके फिर इसको रिटर्न करना पड़ता है। ट्रेन के पास टाइम रहता है दो घंटा भी नहीं रहता, डेढ़ घंटे का रहता है। उसका क्लीनिंग करना पड़ेगा, क्लीनिंग करके फिर ट्रेन को छोड़ना पड़ता है, स्टाफ को भी रेडी होना पड़ता है। तो उस हिसाब से जो किया जा रहा है वो तो बहुत अच्छा है। हमारा कंपनी जो है सर आरके एसोसिएट्स, हमारी कंपनी आरके एसोसिएट्स, उसका एक ही मकसद है, एक ही टारगेट है, इंडियन रेल का कैटरिंग को और प्रॉफिटेबिलिटी ले जाए। हाँ, वो हमें सही कोशिश कर रहा है, हम लोग का फीडबैक यही दे रहा हूँ। एक तो कैटरिंग प्लस जो फूड क्वालिटी है, क्योंकि जैसा ये प्रीमियम क्लास का ट्रेन है ना, तो जितना भी पैसेंजर भी इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहा होगा चार्ज करता हूँ, मुझे लोग क्या चाह रहा होगा कि फूड का जो क्वालिटी है वो अच्छा हो और स्टाफ बिहेवियर अच्छा हो, क्लीन थोड़ा सा अच्छा हो। तो ये रहा हम लोग का जितना भी है कैटरिंग स्टाफ, ये सर है इंचार्ज, उधर तिथि बाबू है, ठीक है, सब एकदम बढ़िया। और ट्रेन अभी फिलहाल 20 मिनट लेट है, पर रिकवर कर देगा मेरे ख्याल से 10 या 5 मिनट के लेट से ये घुस जाएगा। और ट्रेन में बहुत ही अच्छा फैसिलिटी दिया हुआ है, हर इसके बाद जो और नया 4-5 ट्रेन आने वाला है वंदे भारत उसमें भी कुछ अपग्रेडेशन होगा, क्योंकि इंडिया का पहला वंदे भारत ट्रेन मुंबई दिल्ली अनाउंस कर दिया गया, पर वो स्लीपर में आएगा, कब आएगा इसका अभी भी डेट श्योर नहीं है, पर फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर क्लास चलेगा मुंबई टू न्यू दिल्ली। थैंक यू सर। ये परसों भेजिएगा एकदम। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं हावड़ा एकदम राइट टाइम, 20 मिनट हालांकि लेट था पर फुल रिकवर कर लिया गया। आप उतरने का बारी है डेस्टिनेशन में। एकदम सारे नंबर नवा आछे तो गाइस हावड़ा स्टेशन फाइनली पहुंच चुके हैं एकदम राइट टाइम पे। हावड़ा के लिए बता दूं यहाँ पे 23 प्लेटफॉर्म है, 4 ट्रेन ऑरिजिनेट होता है, 104 ट्रेन सॉरी गाइस क्या बोलने जा रहा क्या बोल रहा था यहाँ पे 23 प्लेटफॉर्म है, 4 ट्रेन का हॉल्ट है, 104 ट्रेन ऑरिजिनेट होता है और 105 ट्रेन टर्मिनेट होता है। इससे ज़्यादा टर्मिनेट होता था, गुवाहाटी रूट का जितना भी ट्रेन है लगभग को डाइवर्ट कर दिया गया दानकुनी से, इसलिए बहुत सारा ट्रेन का स्टॉपेज घट गया, कुछ पूरी का ट्रेन को शालीमार कर दिया गया, ठीक है। डिवीज़न हावड़ा ईस्टर्न रेलवे में गिरता फेमस किस लिए आप लोगों को मालूम है, यहाँ से बहुत सारा टूरिस्ट प्लेस है, दक्षिणेश्वर कालिका टेम्पल, ठीक है, बहुत सारा है। और ट्रेन का जर्नी बहुत अच्छा था, क्लीनलेस था, ठीक है, कुछ जगह थोड़ा सा एक दो जगह का बॉगी में कुछ प्रॉब्लम था, बाकी ओवरऑल सब कुछ अच्छा था, खाने का क्वालिटी एक नंबर था, पहले जैसा नहीं है, मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि चेंज हो गया है,
जो मैनेजर है, तो अभी खाने का क्वालिटी चेंज हो चुका है। तो अलविदा कहते हैं भाई से। अभी मेरे को फिर से अभी दूसरा ट्रेन चेंज करना है 12:05 घर जाने के लिए। तो चल रहे हैं गाइस, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जर्नी कैसा लगा मुझे बताइएगा।